खाना खाने के बाद कुछ लोगों का मीठा खाने का मन होता है, उनके मुंह से ये निकलता है कि कुछ मीठा है क्या, या फिर वो ढूंढा करते हैं कि कुछ मीठी चीज़ मिल जाए किचन में उनको। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन यदि किसी का हर समय मीठा खाने का मन करता हो, उसको क्रेविंग हो, नहीं तो वो चॉकलेट्स, टॉफ़ी, कुछ भी मीठा, मतलब फंकी मारेगा चीनी की ना कुछ भी हो, तो हमेशा से उसको लगेगा कि नहीं उसमें मीठा खाना है, मीठा खाना है, तो ये तो कुछ फिर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ हो सकती है, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं कि कौन सा इंटरनल ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है और वो कौन से खास एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं कि जब हम करेंगे स्टिमुलेट तो जिस ऑर्गन में ये डेफिशिएंसी होकर ये सिम्टम आ रहा है ना, तो वो डेफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, ऑर्गन भी मजबूत हो जाएगा और जो उसका जो ये सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय, संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, जो जितने भी स्वाद है ना, खट्टा, मीठा, नमकीन, कसैला, तीखा, ये सारे के सारे हमारे किसी ना किसी इंटरनल ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। आपने देखा ही होगा ना कि बहुत लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को मीठा पसंद है, कुछ लोगों को नमकीन पसंद है, कुछ लोगों को खट्टा मीठा बहुत पसंद होता है ना, खट्टा पसंद होता है बहुत, जो गोलगप्पे वगैरह खाएंगे तो खट्टी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और कुछ लोगों को कसैला पसंद होता है, तीखा पसंद होता है। तो यहाँ आज बात हो रही है मीठे की, कि मीठे खाने की जो इच्छा है तो वो किस इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड है। ये है स्प्लीन से, यानी कि जब भी कभी स्प्लीन यानी तिल्ली, स्प्लीन की ऊर्जा में कमी हो जाती है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब व्यक्ति का मन होता है मीठा खाने का, क्योंकि डेफिशिएंसी है ना, तो डेफिशिएंसी को कैसे वो पूरा करेगा, कुछ खा के, मीठा खाने की इच्छा। तो सीधा सीधा ये संकेत है, सिम्टम से पहचान जाइए कि व्यक्ति की स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। अब ट्रीटमेंट भी फिर इसी में होगा कि वो कौन से खास एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हम चुन लें कि जब हम उनमें लगाएंगे मैग्नेट्स, वो भी टोनिफिकेशन वाले, तब जो स्प्लीन की डेफिशिएंसी रोगी को हो रही है, जिसका सिम्टम आ रहा है मीठा खाने की क्रेविंग, तो वो ठीक हो जाएगी। तो स्प्लीन की भी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाएगी, स्प्लीन की ऊर्जा भी ठीक हो जाएगी और जो ये शुगर क्रेविंग है ये भी खत्म हो जाएगी। तो साथियों, ये है डायग्नोसिस। एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर में बहुत सारे डायग्नोसिस हैं। आपके पास कोई भी बीमारी का पेशेंट आए या कोई भी सिम्टम वो बताए, 500 सिम्टम रोगी बताता है, लेकिन यदि आपको रूट कॉज पता होगा ना, तो आप जड़ मूल से जाकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इंटरेस्ट है आपका एक्यूप्रेशर थेरेपी सीखने का, तो निगाह डालिए, स्क्रीन पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिज़ाइन ही किए हैं कि ये सारी बारीकियाँ घर बैठे ही हम आपको सिखा सकें। तो मन है आपका, तब डायरेक्टली किसी भी कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, इनको सीख कर आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। यदि आपका मन है इसमें करियर बनाने का, क्लिनिकल प्रैक्टिस करने का, तो जो आप कोर्सेज करेंगे, जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, आप एलिजिबल होंगे इन कोर्सेज के बिहाफ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए। तो साथियों, आपका मन है तो ज़रूर इनरोल करें। अब बात करते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की। आइए साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी पेपर टेप की और टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स की। टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स साथियों बहुत छोटे छोटे से होते हैं, एक तरफ से येलो कलर के, दूसरी तरफ से ये वाइट कलर के होते हैं। आइए अब निगाह डालते हैं उन खास प्रेशर पॉइंट्स पर। ये पॉइंट हमारे हाथों में है, तो सबसे पहला पॉइंट साथियों वो है हमारा मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में अपर फैलेंक्स और बिल्कुल बीचों बीच हमारा ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है SP3, स्प्लीन 3। इसी के ही मिड लाइन में जो अपर जॉइंट है, जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर ही ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है SP6। तो क्या करना है, वन बाय वन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे सिक्स हैं,
एक एक करके समझते हैं। तो दो पॉइंट्स पर हमें किस तरीके से मैग्नेट लगाना है, पहले इसको समझते हैं कि इस प्रकार से मैग्नेट लेंगे कि स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट। जो ये दो हमारे पॉइंट थे SP3, इसके ऊपर हमने मैग्नेट लगा लिया, और जो ये पॉइंट है SP6, इसके ऊपर हमने मैग्नेट लगा लिया। अब बात करते हैं इनके बैक शो पॉइंट, क्योंकि जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट के अंदर दो इंटरनल ऑर्गन्स आ रहे हैं, स्प्लीन और स्टमक। इनके हमें बैक शो पॉइंट्स को देना है, क्योंकि ऊर्जा में कमी है ना, तभी क्रेविंग हो रही है शुगर की। तो हम जब इनके बैक शो पॉइंट्स को लगाते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बैक शो का मतलब होता है ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक। तो चलिए बैक शो पॉइंट को ढूंढने के लिए जो हमारा ये पीछे की तरफ आएंगे, जो थंब है, थंब का जो बेस है, इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और जो ये मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और रिस्ट फोल्ड है, इससे हम एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये जो हमारा रिस्ट फोल्ड है, इसकी और इसकी दूरी, यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, इसका लगभग लगभग आधा कर लेते हैं। मैं दूसरे पेन से मार्क करती हूँ आपको, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है, पहले तो हम ये लगभग लगभग ये दूरी, और जरा सा स्लाइटली इसके ऊपर एक और पॉइंट है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स, एक का नाम है यूरिनरी ब्लैडर 20, दूसरे का नाम है यूरिनरी ब्लैडर 21। ये दोनों के दोनों बैक शो पॉइंट हैं स्टमक और स्प्लीन के। यहाँ पर भी हमें इस प्रकार से मैग्नेट लेना है। पेपर टेप में दोनों मैग्नेट्स ले सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पास पास में हैं। स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से तो दिखाई देगा वाइट। और जो ये दोनों हमारे पॉइंट्स थे, थोड़ा दूर कर लूँ क्योंकि पास पास हो रहा है, हल्का सा स्लाइटली दूर करती हूँ पेपर टेप में। और ये जो हमारे पॉइंट्स थे यूरिनरी ब्लैडर 20 और यूरिनरी ब्लैडर 21, इसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा लेंगे। तो अभी हो गए टोटल 4 पॉइंट्स। अभी 2 पॉइंट्स और बचे हैं, जो कि बहुत ही खास पॉइंट हैं। एक पॉइंट है साथियों, यदि हम मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के बीच में एक सीधी लाइन खींचे, जैसे मैं किसी भी कुंद चीज़ से, आप एक सीधी लाइन खींचिए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, जहाँ पर भी ये कुंद चीज़ आपकी रुक जाए, क्योंकि इसके बाद से फिर उभार है, इसलिए वो रुक गई है। एग्जैक्टली यहीं पर हमारा ये पॉइंट है, और इस पॉइंट का नाम है CV12, कंसेप्शन वेसल 12। यहाँ पर भी इस तरीके से पेपर टेप में एक बार आपको करके दिखाती हूँ, क्योंकि पेपर टेप ही लेना है, दूसरा और कोई टेप नहीं लेना। पेपर है, जैसे कागज़ फट जाता है इजीली, ये भी फट जाते हैं, और यहाँ पर आपको लेना है। यदि आपके पास पावरफुल ट्रीटमेंट आप करना चाहें तो यहाँ पर आप चक्रा मैग्नेट भी ले सकते हैं। चक्रा मैग्नेट को देखिए किस तरीके से लगाना है। वैसे ही आपके पास टोनिफिकेशन सॉल्यूशन है तो वो भी लगा लीजिए, लेकिन और पावरफुल करने के लिए जो चक्रा मैग्नेट है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके लिए हम इस प्रकार से मैग्नेट को लेंगे, चक्रा मैग्नेट को, कि स्किन में जो टच होगा वो ये, और बाहर से जो दिखाई देगा वो इसका ये वाला पार्ट होगा। यानी हम कर रहे हैं CV12 को टोन, हमें CV12 को टोन करना है। हम चक्रा मैग्नेट की मदद से भी हम इसको टोन कर सकते हैं CV12 को। अब हमारा बचा लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट है हमारा ये मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर में मिडिल जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे टुवर्ड्स थंब ये पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है स्टमक 36। यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से मैग्नेट को लेना है कि स्किन में जो टच होगा वो येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट। और जो ये हमारा पॉइंट था स्टमक 36, उसके ऊपर हम इस तरीके से मैग्नेट को लगा देंगे। पॉइंट्स बायलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में, दोनों ही हाथों में इस ट्रीटमेंट को करना है। आप कुछ दिन रोज रात में लगाकर सो भी सकते हैं, 7-8 घंटा तो हर कोई सोता है। आप भी यदि इन पॉइंट्स को लगाकर सो जाते हैं, मैग्नेट्स इनके ऊपर, 7-8 घंटा, और 2-4 दिन, कम से कम 10 दिन आप लगाकर देखिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो गई। जो भी सिम्टम्स स्प्लीन जो डेफिशिएंसी की वजह से थे, ब्लॉटिंग हो रही थी, लूज स्टूल्स हो रहा था, बहुत ज़्यादा खाने में भी प्रॉब्लम, क्योंकि स्प्लीन और स्टमक का संबंध तो हमारे डाइजेशन से भी है ना, तो डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि खाना ही नहीं पच पाएगा, भूख ही नहीं लगेगी, है ना, हाथ पैरों में ताकत ही नहीं आएगी, मसल्स कमज़ोर होने लग जाएंगे, हर चीज़ लटकने लग जाएगी,
तो होल्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्प्लीन का काम है चीज़ों को होल्ड करने का। तो जो भी चीज़ें स्प्लीन से रिलेटेड हैं, स्प्लीन की ऊर्जा से संबंधित है, उनमें भी जब आप इन पॉइंट्स को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ये जादू है एक्यूपेशन थेरेपी का। आप इन पॉइंट्स को ज़रूर लगाइए, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिले इन पॉइंट्स के बाद में। और साथ ही यदि आप भी परेशान हैं, बीमारियों से उपचार चाहते हैं एक्यूपेशन थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं ये प्रॉब्लम, क्योंकि स्प्लीन और स्टमक का संबंध तो हमारे डाइजेशन से भी है ना, तो डाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि खाना ही नहीं। यदि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये मैग्नेट्स तो हमारे पास है नहीं, ये कहाँ पर मिलेंगे, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट की लिंक है sambhavcure.com, पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, जनहित में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि आपकी वजह से बहुत लोगों की हेल्प हो सके। मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।